आज से हम शुरू कर रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है जिसमें आप प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस कंपनीज में अपने प्लान को समझाने के लिए, अपना आइडिया किसी को बताने के लिए या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार की जाती है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करके आप किसी को भी अपनी बात बहुत ही आसानी के साथ समझा सकते हैं। YouTube पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपनी वीडियो में प्रेजेंटेशन के जरिए ही किसी भी बात को समझाते हैं। प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है और इसमें आप काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पावर पॉइंट के बेसिक फंक्शंस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस फोल्डर मिल जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, एमएस ऑफिस में यहाँ पर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, यहीं से आप इसको उठा करके यहाँ रख लीजिए, शॉर्टकट बन जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर सर्च में आप सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट, जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है, एंटर करेंगे और पावर पॉइंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट ओपन होते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होती है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है टाइटल बार, जहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन का टाइटल शो होता है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रेजेंटेशन 1। अगर हम इसको सेव कर दें और इसको हम यहाँ पर कोई एक नेम दे दें, जैसे कि हम डाल देते हैं ईशान, और यहाँ पर लोकेशन चूज करके हम सेव करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ईशान। तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का नाम होगा, टाइटल होगा, वो यहाँ पर शो होता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये है शॉर्टकट बार, यहाँ पर आप देखिए सेव बटन है, अंडू और रीडू बटन भी है। यहीं पर आप और भी शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू हम ऐड कर लेते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिस बटन मिलता है, ऑफिस बटन में आपको सेम वही ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखे हैं। न्यू पर क्लिक करके आप एक न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन पर क्लिक करके पहले से बनाई हुई फाइल को ओपन किया जा सकता है, सेव पर क्लिक करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, सेव एज पर क्लिक करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, आप उसको पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पीडीएफ चूज करके उसको सेव करेंगे, वो पीडीएफ में सेव हो जाएगी। प्रिंट में आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड कैसी शो होगी प्रिंट होने के बाद। क्विक प्रिंट पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आपको प्रीव्यू शो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती है उनको प्रिंट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन करने के लिए होती है। प्रिपेयर पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप लॉक लगा सकते हैं, साथ ही आप इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये टैब दी गई है होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। अगर हम बात करें होम टैब की, तो इसमें आपको सेम वही ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको एमएस वर्ड में देखने को मिले थे। यहाँ पर कट कॉपी के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को कट कॉपी करके पेस्ट के जरिए आप उसको किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर के जरिए आप अपने किसी भी कंटेंट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टाइप किया ईशान, इसको हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और साथ ही यहाँ पर हमने इसको एक कलर दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमने टाइप कर दिया है ईशान, अब हम चाहते हैं कि यही बोल्ड इटैलिक कलर वाली जो फॉर्मेटिंग है इस पर भी अप्लाई हो जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कर्सर में एक ब्रश बन करके आ जाएगा, आप बस अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए पहली वाली फॉर्मेटिंग इस दूसरे वाले पर भी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्लाइड का, न्यू स्लाइड पर क्लिक करके यहाँ से आप नई स्लाइड ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी इनबिल्ट मिलती है और आप यहाँ पर ब्लैंक भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाली स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। लेआउट पर क्लिक करके आप इसका लेआउट चेंज भी कर सकते हैं,
जैसे कि हमने ये वाला लेआउट लिया हुआ है, अगर हम इसको टू कंटेंट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और ये चेंज हो जाएगा। रिसेट पर क्लिक करके आप इसको रिसेट कर सकते हैं। डिलीट पर क्लिक करके आप किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इस स्लाइड को चूज किया, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। ये है फॉन्ट मेन्यू। इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट चेंज करने का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ईशान कंप्यूटर एकेडमी। अब इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कोई भी एक फॉन्ट दे देंगे। इसमें काफ़ी सारे फॉन्ट होते हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्मॉल ए पर क्लिक करेंगे साइज छोटा होगा, बिग ए पर क्लिक करेंगे इसका साइज बड़ा होगा। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको कलर दे दिया, बोल्ड इटैलिक कर दिया, यहाँ से हम कलर दे देते हैं। और इसके बाद आप इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, आप इसको बिल्कुल वैसा करना चाहते हैं जैसे कि ये पहले था, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कि आपने इसको बनाया था। नीचे यहाँ पर आपको बोल्ड इटैलिक के ऑप्शन मिल जाते हैं। बोल्ड पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इटैलिक पर क्लिक करके आप उसको टेढ़ा कर सकते हैं। अंडरलाइन पर क्लिक करके आप उसको अंडरलाइन दे सकते हैं, उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। और यहाँ आप बिटवीन लाइन दे सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में लाइन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट शैडो का। ये आपको एमएस वर्ड में देखने को नहीं मिला। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर शैडो देना चाहते हैं, परछाई देना चाहते हैं, तो आप बस उस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ एस पर क्लिक करेंगे, उसको एक शैडो मिल जाएगी। यहाँ से आप टेक्स्ट को टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईशान कंप्यूटर एकेडमी है, हम इसको टाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर आएंगे, वेरी टाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा। अगर हम इसको लूज करना चाहते हैं तो लूज पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से लूज हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ मेन्यू मिलता है, इसमें आपको बुलेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप बुलेट डाल सकते हैं जो कि लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स की बुलेट्स दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं एप्पल, यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑरेंज, यहाँ पर हम डाल देते हैं बनाना और यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रेप्स। अब हम इनको बुलेट देना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम जो चाहे वो बुलेट दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये बुलेट दे दी है। अगर आप चाहें तो नंबर बुलेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर में भी आपको कई टाइप की बुलेट्स यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, इनमें हम स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ज़्यादा स्पेस देंगे, इसमें ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। कम स्पेस देंगे तो यहाँ पर कम स्पेस आ जाएगा। और यहाँ 1.0 देंगे तो मिनिमम स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ लेफ्ट राइट सेंटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर पर क्लिक करेंगे सेंटर हो जाएगा, राइट पर क्लिक करेंगे राइट में आ जाएगा, लेफ्ट पर क्लिक करेंगे लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। आप टेक्स्ट को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ईशान सिड, तो अब इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजेंटल है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रोटेट हो गया। और इसको हम 270 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको स्टैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, आपको कैसे रखनी है। अलाइन टेक्स्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप टेक्स्ट के अलाइन कहाँ से रखना चाहते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। टॉप में अभी ये है, मिडल में रखने के लिए मिडल चूज़ करेंगे और बॉटम में रखने के लिए आप बॉटम चूज करेंगे, आपका टेक्स्ट बॉटम में पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसको आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको कई सारे डिज़ाइंस यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस आप यहाँ क्लिक करेंगे और वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आपने स्मार्ट आर्ट यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप लेआउट चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स चूज कर सकते हैं। जो भी स्मार्ट आर्ट आप अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलते हैं, स्टाइल मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है शेप का ऑप्शन, इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी शेप। जैसे कि हमें स्टार चाहिए, नीचे आएंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं, स्टार लिया,
यहां पर आपका कर्सर इस टाइप का हो जाएगा, प्लस साइन बनकर के आ जाएगा। आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप यहां पर कोई भी शेप डाल सकते हैं। इस शेप को उठा करके मैं यहां पर रख देता हूं। अब अरेंज में आपको ऑप्शन मिल जाता है इन शेप्स को आगे पीछे करने का। जैसे कि यहां पर हमने स्टार को पीछे रखा हुआ है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्टार आगे आ जाए और ये बॉक्स पीछे चला जाए, तो हम यहां स्टार को सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, यहां हम ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे और देखिए स्टार आगे आ चुका है और जो बॉक्स था वो पीछे जा चुका है। इसी तरीके से अगर हम बॉक्स को आगे लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे, बॉक्स आगे आ जाएगा। तो यहाँ अरेंज में आप अरेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, किसको आप पीछे पहुँचाना चाहते हैं, किसको आगे लाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको क्विक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टाइल दे सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी स्टाइल उस पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको शेप फिल का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी शेप जो आपने ली है उसमें आप कलर भरने के लिए शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। शेप की आउटलाइन को भी आप यहां से कलर दे सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर ब्लैक दे देते हैं। शेप को आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, यहां पर आप शेडो दे सकते हैं, साथ ही यहां पर रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं और इसमें आप ग्लो भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, यहां पर मैं आपको सिर्फ रिविजन के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि पावर पॉइंट में भी ये ऑप्शन होते हैं और किस ऑप्शन का क्या काम होता है। अपनी स्लाइड में आप जो भी टेक्स्ट या कोई भी डेटा डालते हैं तो उसमें आप फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड पर क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमें फाइंड करना है कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, देखिए इसने फाइंड कर लिया है कि हमारी स्लाइड में यहाँ पर कंप्यूटर ये है। इसी तरीके से आप यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो हम यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप डालेंगे कि आप रिप्लेस किसको करना चाहते हैं, हमने कंप्यूटर डाल दिया है, किस चीज़ के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं वही टेक्स्ट और इसके बाद यहाँ हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का लैपटॉप हो चुका है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट बटन मिल जाता है, जैसे कि हम इन सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट में आएंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, सभी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। यही काम आप कंट्रोल प्लस ए से भी कर सकते हैं, उससे भी आप अपने पूरे कंटेंट को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहां पर पहले हम एक और न्यू स्लाइड डाल लेते हैं ब्लैंक। इंसर्ट में आपको पहला ऑप्शन मिलता है टेबल का, जैसे कि आप एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं, सेम ऐसे ही आप यहां पावर पॉइंट में भी टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के तीन तरीके रहेंगे, या तो आप इस तरीके से यहां पर चूज कर लेंगे, जितने भी कॉलम्स और रॉज आपको चाहिए आप इस तरीके से चूज करके ओके कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर टेबल आ जाएगी, आप इसमें अपना कंटेंट डाल सकते हैं। टेबल बनाने का दूसरा तरीका यह है कि आप टेबल में आएंगे, यहाँ इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज कर लेंगे आपको कितने कॉलम्स और कितनी रॉज चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर चाहिए 8 कॉलम्स और हमें रॉज चाहिए यहाँ पर 15, सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपके सामने उतनी ही बड़ी टेबल यहाँ पर आ जाएगी जो आपने सिलेक्ट की थी। टेबल बनाने का यहाँ पर तीसरा तरीका ये है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। टेबल में आएंगे और यहाँ आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पेंसिल मिल जाएगी, इससे आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने बॉक्स बना लिया, अब इसमें कितने कॉलम्स और रॉज हमें चाहिए वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं रॉज, और यहाँ पर इंसर्ट में आके टेबल पर क्लिक करके, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं कॉलम्स। यहाँ पर आप टेबल किसी भी तरीके से ड्रॉ करें, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं। टेबल ड्रॉ करते ही आपको डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाता है, डिज़ाइन में आप यहाँ टेबल के अलग अलग डिज़ाइंस को चूज कर सकते हैं जो कि आपको इनबिल्ट मिलते हैं। यहाँ पर आप शेडिंग, बॉर्डर्स, इफेक्ट दे सकते हैं, ये सभी वही ऑप्शंस हैं जो कि आपने एमएस वर्ड में सीखे हुए हैं। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में एक फोटो डाल सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जो भी फोटो आप डालना चाहते हैं उसको चूज करेंगे और फोटो यहां पर आ जाएगी। फोटो जैसी आती है तो उसके साथ ही उसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं। यहां पर देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, आप यहां से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप पिक्चर के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं।
पिक्चर को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, और पिक्चर को आप यहाँ आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी आपकी स्लाइड में है तो आप उस ऑब्जेक्ट को आगे ला सकते हैं और पिक्चर को पीछे ले जा सकते हैं, और यहाँ क्रॉप पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोटो एल्बम का। पहले हम यहाँ पर एक और स्लाइड डाल लेते हैं ब्लैंक। इंसर्ट में जाएंगे, फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, न्यू फोटो एल्बम। तो यहाँ से आप पूरी की पूरी एक एल्बम डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड में। इसके लिए आप फाइल डिस्क पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपके फोटोज रखे हुए हैं सबको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम फोटोज चूज कर लेंगे, आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और इसके बाद अपने माउस से क्लिक करिए। जितने फोटोज को भी आप चूज करेंगे सब यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सभी फोटोज यहाँ आ चुके हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एल्बम देखिए यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर जो भी एल्बम आप बनाते हैं उसको आप प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ स्लाइड शो में आएंगे, फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने माउस से बस क्लिक करते रहिए, आपके सामने सभी फोटोज आते रहेंगे जो भी आपने यहाँ पर एल्बम में डाले हैं। इसके बटन प्रेस करेंगे आप वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इंसर्ट में फोटो एल्बम पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी फोटो एल्बम बना सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट का। सेम वही चीज है जो मैंने आपको सिखाई है एमएस वर्ड और एक्सेल में। शेप के जरिए यहाँ पर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट के जरिए यहाँ पर आप कोई भी स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, चार्ट के जरिए यहाँ पर आप कोई भी चार्ट डाल सकते हैं जैसे कि एमएस वर्ड में मैंने आपको सिखाया, हाइपरलिंक के जरिए यहाँ पर आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट में आपको यहाँ हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी स्लाइड में हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं। वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही टाइम एंड डेट डाल सकते हैं, स्लाइड नंबर, सिंबल और ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मीडिया क्लिप्स का। पावर पॉइंट में आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें आप कोई भी वीडियो या साउंड भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड भी आप यहां से डाल सकते हैं और साथ ही कोई वीडियो भी आप डाल सकते हैं। मूवी पर क्लिक करेंगे, मूवी फ्रॉम फाइल, जहां पर भी आपकी मूवी रखी हुई है सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहां ऑटोमेटिकली चूज कर लेंगे। तो देखिए यहां पर आपकी मूवी आ चुकी है, ये अभी यहां पर शो नहीं होगी, जब आप स्लाइड को प्ले करेंगे तब ये शो होगी। यहां प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये रन हो जाएगी और आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहां पर वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी स्लाइड में वीडियो भी डाल सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी साउंड फाइल डाल सकते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में प्ले होता है। यहाँ पर स्लाइड्स का ऑप्शन है, इसमें आपको स्लाइड्स मिल जाती है। जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें जो पेजेस होते हैं उनको पेज नहीं बोलते हैं बल्कि उनको स्लाइड बोलते हैं। तो सभी स्लाइड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ प्रेजेंटेशन बनाई है तो इस प्रेजेंटेशन में टोटल 5 स्लाइड्स हैं और उन 5 स्लाइड्स को आप यहां एक साथ देख सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आप उसी स्लाइड पर आ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को एक बार में आप यहां पर देख सकते हैं। नीचे यहां पर नोट्स का ऑप्शन मिलता है, इसके जरिए आप कोई भी नोट डाल सकते हैं। ये जब आप प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो उसमें शो नहीं होता है। नीचे आएंगे, ये स्टेटस बार है, यहाँ पर आप देखिए हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है इसमें टोटल 6 स्लाइड्स हैं, उसमें से हम सेकेंड स्लाइड पर हैं। स्लाइड के लिए हम यहाँ पर ऑफिस थीम को यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपनी स्लाइड का जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार मिल जाता है, जिससे आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बेसिक फंक्शंस है और जब तक आपको बेसिक की जानकारी नहीं होगी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइड शो और एनिमेशन के बारे में, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं।